नमस्कार। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपने लाइब्रेरी का कोर्स और फिर हम इस पूरे कोर्स को जल्दी से ख़त्म करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। और मेरे साथ ही करते रहिए आप लोग, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। बाद में मैं चार्ट बेस पे ये सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ रिवीजन के लिए, बट वो चार्ट बेस्ड वही समझ पाएगा जो इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से समझ पाएगा। और ये हिंदी मीडियम में मटेरियल्स मिलने ही काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो आप लोगों को इसको देखना चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और थैंक यू, और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किए चैनल को, थैंक यू उसके लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और मुझे नहीं पता था इसे हमें आगे पढ़ना। चलिए अब सूचना का अधिकार क्या है, क्यों आया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं। जैसे जो अधिकारी होते हैं, लोक अधिकारी मतलब लोगों के लिए अधिकारी, जनता का अधिकार, लोक सेवक जो होता है, उसके कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए उनके अंदर जो सूचनाएँ होती हैं, उनके नियंत्रण में जो सूचनाएँ होती हैं, उस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक उस सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवस्था स्थापित की गई। और इसके लिए क्या किया गया? एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया और भारतीय संसद ने 2005 में इस अधिनियम को पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार 2005 कहते हैं। अब सूचना का अधिकार क्या होता है? सूचना का अधिकार का मतलब होता है सूचना पाने का अधिकार, यानी जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, अब सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों के कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। जैसे आपने एक नारा सुना होगा, इस बार सरकार ने क्या नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, कि मतलब जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो और गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हो, तभी हो सकता है जब सूचना सब तक पहुँचे। तो केंद्र सरकार ने 15 जून 2005 को इसे संसद में पास करवाया और पूरे देश में लागू किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर 370 की वजह से उसका अलग संविधान, अलग झंडा होता था, लेकिन 370 हट जाने के बाद अपने पूर्णतः अपने देश का भाग हो गया। अब वहाँ तिरंगा ही रहेगा और अपने भारतीय संविधान जो है वो वहाँ पे भी लागू है। तो ये पहले की पुरानी बात है। चलिए वह अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं इस सूचना के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत? सबसे पहले वह सूचना की मांग कर सकता है आप किसी, दूसरा वह संलेख, प्रलेख या सामग्री का निरीक्षण कर सकता है, वह टिप्पणी, सारांश या इसकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है, सामग्री की प्रमाणित नमूना प्राप्त कर सकता है कि इसका प्रमाण क्या है, इसका नमूना हमें दीजिए, सूचना को डिस्क, फ्लॉपी टेप, वीडियो टेप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम की विशेषताएँ क्या क्या हैं? सबसे पहले यह अधिनियम केंद्र तथा राज्य सरकार तथा स्थानीय तीन सरकारें हमारे यहाँ चलती हैं, एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार, तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है, तो तीनों अधिकारी पर यह लागू होता है। तथा वे NGOs, वे गैर सरकारी संस्थाएँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की सहायता लेती हैं, इन पर भी वो लागू होता है। अगला, इस अधिनियम के तहत किसी भी लोक अधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क, शायद 10 रुपये है RTI का शुल्क, या अभी बढ़ा के 50 रुपये कर दिए है, शायद 10 ही रुपये था, अब शायद बढ़ गया 50 रुपये हो गया, तो वो निर्धारित शुल्क दे करके सूचना प्राप्त किया जा सकता है इन तीनों अधिकारियों से या NGO जो पैसे लेते हों सरकार से। इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँचना सुलभ हो गया। अब नागरिक को किसी भी निर्माण के निरीक्षण का अधिकार है। अब ये जो अधिनियम है इसके तहत हम अगर डाक से भेज दें रुपया, पैसा जो है और वो पत्र, तो भी हमें सूचना मिल जाएगा, या तो हम ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल से हमें मिल जाएगा, और जो सूचना हम मांगे हैं 30 दिनों के अंदर हमें मिलनी चाहिए, वरना फिर हम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं।
अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन राइट्स की जो रक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत उसको ये अधिकार मिला है। चलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यक्ति वगैरह की परिभाषा की गई कि व्यक्ति में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे निगम, संघ, कंपनियां आदि, ये लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। अगला, ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक 1889 में एक एक्ट पारित हुआ था, उसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके तहत भी सूचना की प्राप्ति की जा सकती थी, जिसे 1923 में संशोधित कर दिया गया था। अब सूचना का अधिकार जो है ये लागू होने पर एक निश्चित अवधि में हमें सूचना मिल जाती है, तो ये मज़ेदार चीज़ है। अब हमने सूचना का अधिकार पढ़ लिया तो हर चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका हम लाइब्रेरी के रूप में यूज करेंगे, वरना हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या इसका बहुत ही यूज होता है। एक तो हमें जानकारी होगी, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे पुस्तकालयों में, जब हम एक लाइब्रेरियन बनकर जाएंगे तो हम उसको देख लेते हैं कि पुस्तकालय क्षेत्र में सूचना का अधिकार क्या है और इसका उत्तर देने में यह अधिनियम लाइब्रेरी की मदद करता है कि नहीं करता है। तो इसमें बताया गया कि पुस्तकालय में सूचना का अधिकार दोहरी उपयोगिता निर्धारित करता है। एक तो सबसे पहले एक अच्छे संदर्भ स्रोत के रूप में है, कि अच्छा संदर्भ स्रोत है कि लोगों को पता है कि इस माध्यम से सूचना मिल जाएगी, और दूसरा सूचनाएँ सूचित करने वाले मार्गदर्शक का काम करता है कि एक मार्गदर्शन भी दिखाता है। एक तो संदर्भ स्रोत हो गया, दूसरा क्या हो गया, मार्गदर्शक के रूप में। और कुछ चीज़ों में अब इसमें सूचना का अधिकार जब हम लाइब्रेरी के रूप में हम लोग जान रहे हैं, हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन सी सूचनाएं हमें नहीं देनी है। ऐसे नहीं कि सारी सूचनाएं हमें दीजिए, प्रधानमंत्री क्या क्या बातें करते हैं दूसरे देश के लोगों से, क्या हमें कभी बताते हैं क्या सारी इंपॉर्टेंट, वो शपथ जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित, विधि मतलब संविधान द्वारा स्थापित सभी गोपनीय चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करूँगा। ये वो लोग शपथ लेते हैं, सारे मंत्री वगैरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि गोपनीय चीज़ों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो कौन कौन सी गोपनीय चीज़ें होती, देखिए, ऐसी सूचना जिसके प्रकट हो जाने के बाद भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, भारत के वैज्ञानिक व आर्थिक हितों या किसी अपराध को प्रोत्साहन देने से संबंध में जो प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसके लिए खतरा पैदा करे, ऐसी सूचनाएं हम लोग प्रकट कभी भी नहीं करते हैं। दूसरी कौन सी सूचनाएं हम प्रकट नहीं करते हैं? एक कोई भी अदालत या अदालत जिसने मना किया कि ऐसी सूचनाएं बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको अगर हमने प्रकट कर दिया तो अदालत का अवमानना होगा और भयंकर सज़ा मिलेगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन हो जाए, तो ये सूचनाएं भी नहीं आएंगी। व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारिक रहस्य या बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे रियल लाइफ में जानना भी और लाइब्रेरी के रूप में तो जानना ज़रूरी है ही। तो इसमें तृतीय पक्ष को नहीं सूचनाएं प्रकट की जा सकती हैं जिससे हमारा प्रतिस्पर्धा पे नुकसान हो या हमारा आर्थिक नुकसान हो, जैसे सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे, या किसी विदेशी सरकार से प्राप्त होने वाली गोपनीय सूचना को हम प्रकट नहीं कर सकते, और किसी व्यक्ति के जीवन, शारीरिक सुरक्षा के लिए अगर खतरा हो तो खुलासा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जब कोई जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी थी, तो हॉस्पिटल्स वाले सबको सूचना नहीं देते, क्योंकि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके जीवन या उसके शारीरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो हॉस्पिटल्स में, अब मान लीजिए पुलिस स्टेशन में जाकर कोई पूछे इस व्यक्ति के नाम पे कुछ है, तो पुलिस वाले सोचेंगे आप कौन हैं, क्योंकि ये खतरा हो सकता है उसके ऊपर। और ऐसी जो सूचनाएं होती हैं जैसे अधिकारियों की गिरफ्तारी या इसको खिलाफ मुकदमा चलाने में जो बाधक हो जाएं, उसको नहीं दिया जा सकता। उसके बाद अधिकारियों जब मीटिंग लेते हैं अधिकारी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है या विचार विमर्श होता है या मंत्रिमंडल के कागजात हों, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि जब वो मामला निपट जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, तब उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। अगला, व्यक्तिगत जानकारी रखने वाली सूचनाएं के प्रकटन से सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित का कोई संबंध ना हो। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में क्या हुआ, हमारा बायोमेट्रिक लिया गया,
पापा का नाम, एड्रेस, सारा चीज़, मतलब माता का नाम, सब कुछ लिया गया, यहाँ तक कि हमारे फिंगरप्रिंट लिया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि भाई हमारी व्यक्तिगत जानकारी आप ले रहे हैं तो उसकी सुरक्षा तो आप कर रहे हैं, पता चले साइबर अटैक सारे छीन कर ले जाएँ और हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी जुड़ा हुआ सारा माल जो बैंक में रखा गया है उड़ा ले जाएँ चुटकियों में। तो और वैसे भी ये बायोमेट्रिक्स वगैरह हमारा व्यक्तिगत डेटा होता है, उसको हम सार्वजनिक नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा अड़चन होता है। और जिस सूचना को राज्य विधानसभा या संसद के लिए अस्वीकृत किया गया उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। उसके बाद कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जैसे जिस 20 साल पहले कोई कोई घटना घटी है तो उसको हम सार्वजनिक कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। मान लीजिए कोई गोपनीय सूचना हो जिसका 20 साल पूरा हो चुका हो, और ये 20 साल कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो ऐसी जो सूचनाएं होती हैं उसको ताला में बंद करके, जैसे पहले लाइब्रेरी वाले जो मैं पढ़ा रहा था कि किस तरह से रंगनाथन ने 5 नियम दिए थे लाइब्रेरी के, तो उसको जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि पुस्तक को कैसे ताले में बंद करके बिल्कुल रखा जाता था, ताले में, अलमारी में लॉक करके, एकदम ज़मीन में गाड़ करके रखा जाता था कि कोई जान ना पाए। तो ऐसे ही ऐसे सूचनाओं को बिल्कुल ही सुरक्षित रखा जाता, 100 ढेरों सारे पासवर्ड्स लगा करके, ताला बंद करके। अब संदर्भ, अब दूसरा जो है तो ये चीज़ हो गया, संदर्भ स्रोत के रूप में महत्व है लाइब्रेरी का। ये तो सूचना हो गई कि हम ये सूचना नहीं दे सकते एज ए लाइब्रेरियन, ये हमें लिखना है, ये हमें लिखना है कि कौन सी सूचना एज ए लाइब्रेरियन हम व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी गोपनीय सूचनाएँ होती हैं एज ए लाइब्रेरियन। तो सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इस अधिनियम से संबंधित सूचना देने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नागरिक सूचना खोज रहा है और वह सूचना एक विशेष राज्य के आयुक्त के पास उपलब्ध है, ठीक है, सेक्रेटरी के पास उपलब्ध है। अब यह पुस्तकालय अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि उस नागरिक को उस सेक्रेटरी का नाम, पता और फ़ोन नंबर बता दे जिससे उस व्यक्ति को उस जानकारी मिल जाए। लेकिन अगर पुस्तकालय अध्यक्ष के पास वो सूचना है तब भी उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए? आयुक्त के पास। और भले ही आपके पास सूचना है तब भी आपको नहीं देना चाहिए, आयुक्त डिसाइड करेगा सूचना देना है कि नहीं। उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष को निम्न प्रश्न के प्रश्न प्राप्त हो सकते हैं, जैसे फलाना सूचना के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, इस अधिनियम के प्रभाव से मुझे किस प्रकार से सूचना मिलेगी, अच्छा ये जो सूचना है इसको प्राप्त करने में कितना समय मिलेगा, भैया ये सूचना जो है वो तो किस प्रकार निवेदन किया जाए, और बताइए रुपया देना पड़ेगा कि नहीं, क्या मैं कोई सूचना बिना रुपया दिए प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं कितनी भी सूचनाएं के लिए आवेदन कर सकता हूँ, और सूचना ना प्राप्त होने पर मुझे क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूचना ना प्राप्त करने पर हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर आप लोग ज़रूर खोज लेना जब आप लाइब्रेरियन बनना। क्या आप निवेदित जानकारी प्रदान करने पर मैं अपील कर सकता हूँ? तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सूचना का अधिकार और लाइब्रेरी के रूप में इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार। तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।